हेलो एवरीवन स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एकेडमी पर एग्ज़ाम एकेडमी के माध्यम से हम आप सभी के लिए भारत के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी जॉब रिक्रूटमेंट से संबंधित नोटिफिकेशन रहता है उसके ऊपर आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं तो गाइस आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर जो रिक्रूमेंट आया हुआ है टोटल आठ सब्जेक्ट से रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है तो ऐसे स्टूडेंट जिनको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की इस वैकेंसी का वेट था मैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ आई हुई है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ये नोटिफिकेशन 24 नवंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन से आर्ट सब्जेक्ट हैं जहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूमेंट आया हुआ है अप्लीकेशन फीस और इससे रिलेटेड जो भी इंट्रक्शन इस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं उन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो अपने यूट्यूब के माध्यम से भारत के डिफ़रेंट डिफरेंट डिफरें स्टेट और उन स्टेट इस में इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटियों से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा की तरफ से जो रिक्रूमेंट निकला हुआ है वे 24 से नवंबर 2023 को इसका नोटिफिकेशन मांगा गया है ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है वो जो 2022 में रिक्रूटमेंट आया हुआ था उसी को शुद्धिकरण करके एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में इसे पुनः प्रारंभ किया गया है उस वो रुकी हुई जो वैकेंसी थी आठ पोस्ट पे उसके लिए फिर से एप्लीकेशन मांगा जा रहा है यहाँ पर जो पहला रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो बॉटनी डिपार्टमेंट से आया हुआ है बॉटनी के लिए यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिर से रिक्रूटमेंट मांगा गया है तीस दिसंबर दो हज़ार का ये रिक्रूटमेंट है इसके लिए यहाँ पर फिर से अप्लीकेशन मांगा गया है यहाँ आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि जो है वो तीस नवम्बर दो को रिलीज़ किया गया है ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि यहाँ पर रखी गई है पंद्रह दिसंबर 2023 का रखा गया है और इस फॉर्म को जो फिलअप करने के बाद जो त्रुटि इसकी प्रारंभ की जाएगी होगी और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो सत्रह दिसंबर 2023 का रहने वाला है तो यहाँ पर जो हमारी दूसरा सब्जेक्ट है जिससे रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है वो कॉमर्स से मांगा जा रहा है कॉमर्स डिपार्टमेंट से भी यहाँ पर विज्ञापन संख्या की 2023 का है जो कि 30 दिसंबर 2022 को इसका रिक्रूटमेंट मांगा गया था इसके लिए फिर से रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है आप ये जो नोटिफिकेशन है वो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप लोग को आप लोगों को इसे डाउनलोड करने को मिल जाएगा आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं इसका भी जो ऑनलाइन आवेदन का करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है वो तीस नवम्बर दो से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो लास्ट डेट है पंद्रह दिसंबर 2023 का डेट रखा गया है वहीं जो अगला हमारा सब्जेक्ट है जिसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है वो इंग्लिश से आया हुआ है इंग्लिश में भी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है इसका भी जो अपलिकेशन फॉर्म है 30 नवंबर 2023 हज़ार तेईस से फिलअप होगा और लास्ट डेट जो रहेगा पंद्रह दिसंबर दो का रखा गया है उसके बाद जो अगला नोटिफिकेशन है जो चौबीस नवम्बर दो को रिलीज़ किया गया था यहाँ आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन रिलीज़ होने का डेट भी मैंशन किया गया है वो आया हुआ है हिंदी डिपार्टमेंट से हिंदी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर इसका भी जो फॉर्म फ़िलअप करने का डेट है वो 30 नवंबर 2023 से स्टार्ट होगा और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है 15 दिसंबर 2023 का डेट रखा गया है आप ये नोटिफिकेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इनका वेबसाइट है मध्य प्रदेश डब्लू डब्ल्यू डॉट मध्य प्रदेश एम पी पी एस सी डॉट एम पी डॉट जी ओ वी डॉट इन पर इसे आप लॉग इन करके डाउनलोड कर सकते हैं अगला जो रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आया हुआ है अभी जो फॉर्म अप्लाई होने का डेट है वो 30 नवंबर 2023 से स्टार्ट होगा और 15 दिसंबर 2023 को इसका भी लास्ट डेट रखा गया है अगला जो रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है वो गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस से निकल कर आया हुआ है इसका भी ऑनलाइन अप्लीकेशन करने का जो डेट है वो तीस नवंबर है और लास्ट डेट इसका पंद्रह दिसंबर ही रखा गया है अगली जो वैकेंसी हमारी मांगी जा रही है वो मैथमे में मांगी जा रही है मैथमेटिक डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसका भी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसमें जो फॉर्म फिलअप करने का डेट है वो 30 नवंबर 2023 से स्टार्ट है और दिसंबर 15 को इसका लास्ट डेट रखा गया है अगला जो रिक्रूटमेंट आ गया हुआ, आया हुआ है वो संस्कृत डिपार्टमेंट से संस्कृत के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर अप्लीकेशन मांगा जा रहा है जिसमें ऑनलाइन आवेदन का डेट भी सेम है तीस नवंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं तो गाइस इस पूरे नोटिफिकेशन में आठ सब्जेक्ट के लिए जो रिक्रूमेंट आया हुआ है उनसे संबंधित अलग अलग रिक्रू अलग अलग नोटिफिकेशन यहां पर रिलीज़ किया गया है इसमें सैलरी से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं किया गया है तो अगर आप इसकी सैलरी जानना चाहते हैं तो 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर ले वहां पर आप लोगों को डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा सैलरी से रिलेटेड क्वालिफिकेशन भी वहीं पर आप लोगों को इसका देखने को मिल जाएगा इस नोटिफिकेशन में सिर्फ इतना ही मैंसन किया गया है तो इसका जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है वो तीस नवम्बर से ओपन हो जाएगा आप तीस नवम्बर से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं पंद्रह दिसंबर तक तो गाइस इस वीडियो में इतना ही इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच